A very very good morning to all of you. In Bessel function, we discuss the topic Bessel recurrence relation. Bessel recurrence relation first and Bessel recurrence relation we already discussed in previous video. In Bessel recurrence relation first, the statement is x, j and s. First and second both recurrence relation or gives the value of x, j and dash. X, j and dash equal to n into j n. ये positive value है, ये negative आएगा, ठीक है? N, j n minus, यहाँ पर n है, तो यहाँ x आएगा, ठीक है? ये minus है, तो यहाँ बताया था, ये n plus 1 आएगा. यहाँ plus होता, तो ये n minus 1 आएगा, ठीक है? Clear है सभी को? इसमें क्या था? वही ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये तो नेगेटिव होगी फर्स्ट वाली जो वैल्यू है x j n dash equal to minus j minus n into j n ये माइनस तो ये प्लस x j n minus 1 ठीक है j n x और इसको j n एक ही बात है ठीक है j n x बेसल फंक्शन को j n x से रिप्रेजेंट करो चाहे जे एन से रिप्रेजेंट करो एक ही बात है तो ये डिस्कस हो गए थे ठीक है कैसे प्रूव किया था इनको सबसे फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन जे एन एक्स इक्वल टू ठीक है सबसे फर्स्ट जे एन एक्स की डेफिनेशन ली थी फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया था ठीक है फिर डिफ्रेंशिएट किया था तो उसके डिफ्रेंशिएशन में एक्स बाई टू रेस टू द पावर एन प्लस टू आर तो एन प्लस टू आर ये टर्म था तो फर्स्ट के प्रूव के लिए तो इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया था टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और सेकंड के लिए इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था एन को माइनस एन प्लस टू एन प्लस टू आर ठीक है तो यही चीज़ ध्यान रखनी है बाकी तो उसका प्रूव जो है वो इजीली स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व कर लोगे तो सेकंड में इस एन प्लस टू आर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था फिर एक टर्म तो माइनस एन से सेपरेट की थी और यहाँ से टू इंटू एन प्लस आर एक टर्म ये और एक ही टर्म ये ठीक है इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके इनको प्रूव किया था नेक्स्ट वी डिस्कस बेसल रिकरेंस रिलेशन थर्ड एंड बेसल रिकरेंस रिलेशन फोर्थ ठीक है बेसल रिकरेंस थर्ड जो है इसमें देखो ये ट्वाइस जे एन डैश इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन ठीक है लर्न करने हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं तो ये ट्वाइस जे एन डैश इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन ठीक है नेक्स्ट बेसल रिकरेंस रिलेशन फोर्थ ये ट्वाइस जे एन डैश की वैल्यू होती है इसमें और इसमें अपना ट्वाइस एन इंटू जे एन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन ठीक है तो ये तो रिजल्ट्स हैं लर्न करने हैं बाकी एक दो बार रिवाइज करोगे इनको लर्न करोगे देन इजीली लर्न हो जाएंगे सभी को प्रूव देखो बेसल रिकरेंस रिलेशन थर्ड इसमें वी नाउ दैट सबसे फर्स्ट इसमें फर्स्ट रिलेशन बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट लोगे एंड बेसल रिकरेंस रिलेशन सेकंड इनको एज इट इज यहाँ ले लोगे ठीक है वी नाउ दैट बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट दिस एंड बेसल रिकरेंस रिलेशन सेकंड ठीक है इक्वेशन मार्क करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों को ऐड कर दो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस रिलेशन को ऐड करोगे देन वी गेट ट्वाइस एक्स जे एन डैश इक्वल टू ये कैंसिल हो रहा है
ठीक है, और इनको ऐड करोगे तो ये टर्म आएगी x इंटू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। ठीक है, ऐड करना है तो x तो कॉमन हो जाएगा और ये हो गया जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। एक्स कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से और यहाँ से रिलेशन आ गया ट्वाइस जे एन डैश इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट और सेकंड रिलेशन दोनों लर्न है, तो देन इनको ऐड करके और थर्ड रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। लर्न भी हो गया होगा सभी को ट्वाइस जे एन डैश इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। ठीक है, इसका एक प्रूफ और देखो, यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो इजीली ऐड करके इसको बता सकते हो, लेकिन फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में यदि रिकरेंस रिलेशन आता है तो उसमें फिर ये प्रूव करोगे। इसमें फर्स्ट और सेकंड प्रूफ जैसे किया था उसकी तरह ही इसको प्रूव करेंगे। अनदर प्रूफ ऑफ बेसल रिकरेंस रिलेशन थर्ड, देखो सबसे फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन वी हैव जे एन एक्स। देखो सॉल्यूशन में से करवाते हैं, इसमें काफी टाइम लगता है। अनदर प्रूफ ऑफ बेसल रिकरेंस रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाय डेफिनेशन ऑफ जे एन एक्स। ठीक है, डेफिनेशन सभी को अच्छे से अब लर्न हो गई होगी। नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू। ठीक है, वही सेम स्टेप है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। पावर का करोगे एन प्लस टू आर एक्स बाई टू रेज टू द पावर एन प्लस टू आर माइनस वन, और फिर इस टर्म का करोगे। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स बाई टू का वन बाई टू। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा और इधर अपना टर्म आ जाएगा ट्वाइस जे एन डैश। क्लियर है? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना यही टर्म आ रहा है ट्वाइस जे एन डैश। ठीक है, ट्वाइस जे एन डैश इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। तो इनको ऐड किया था, बेसल रिकरेंस रिलेशन फोर्थ कैसे फाइंड आउट होगा? इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड देन वी गेट बेसल रिकरेंस रिलेशन फोर्थ। सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों में तो लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा, सेम है लेफ्ट हैंड साइड अपना। ये देखो बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मार्क किया था, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना ट्वाइस एन जे एन, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो एन, ये दोनों ट्वाइस एन जे एन। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो ये टर्म आएगी माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ये हो जाएगा जे एन प्लस वन प्लस जे एन माइनस वन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये दोनों टर्म प्लस प्लस होंगे। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड देन वी गेट बेसल रिकरेंस रिलेशन फोर्थ ट्वाइस एन जे एन इक्वल टू एक्स इंटू जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में प्रूव कर दो, इसका फर्स्ट प्रूफ दो, थर्ड एंड फोर्थ का ये हो जाएगा, और सेकंड प्रूफ जो है वो इस पे आ जाओ। तो इसलिए यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड रिकरेंस रिलेशन आर ट्वाइस जे एन डैश। अब इसमें देखो एन प्लस टू आर है ये। ठीक है, तो बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में तो इनको एज इट इज रखा था, अलग अलग कर लिया था। सेकंड बेसल रिकरेंस रिलेशन में इसको माइनस एन प्लस ट्वाइस एन प्लस टू आर, ठीक है, इस एन को माइनस एन प्लस टू एन से रिप्रेजेंट किया था। अब थर्ड रिकरेंस रिलेशन में इसको एन प्लस आर प्लस आर, ठीक है, ये ट्वाइस आर है तो इसको आर प्लस आर के फॉर्म में ले लो, और इस एन प्लस आर को एक साथ ले लो, इस आर को एक साथ ले लो। ठीक है, तो एन प्लस आर और एक आर, ये तो इन दोनों को टू टर्म्स में सेपरेट कर दिया, एक तो एन प्लस आर प्लस आर, बाकी टर्म्स को एच इट इज रखोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब जैसे ये है एन प्लस आर है, ठीक है, यहाँ गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस आर प्लस वन है, तो गामा एन प्लस वन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये गामा एन प्लस एन वन इक्वल टू एन गामा एन होता है, तो ये एन प्लस आर गामा एन प्लस आर हो जाएगा, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आर है यहाँ पर, तो इसको
सॉल्व करोगे, इसको सॉल्यूशन से तो कैंसिल होगा नहीं, इसको सॉल्यूशन कर लो, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, देन आर कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आर माइनस वन फैक्टोरियल है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है आर इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये बताया है कि इसको चेंज करोगे इस फॉर्म में, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं किया तो इसको तो जीरो ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में ये आर माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि आर माइनस वन, आर माइनस टू फैक्टोरियल, आर माइनस थ्री फैक्टोरियल, इस टाइप से कोई टर्म आ रही हो देन द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो यहाँ पर रखोगे तो फिर वो माइनस हो जाएगा, और गामा गामा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू होने पर वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। अब इसको ये गामा एन प्लस आर है तो इसमें प्लस वन माइनस वन कर लो, राइट हैंड साइड थोड़ा सा ध्यान रखो कि किस फॉर्म में लाना है, जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन, तो इन दोनों की वैल्यू रफली लिख कर देख लो कि क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस वन और प्लस वन करो, तो माइनस वन को तो इसके साथ ले लो और प्लस वन ये, ठीक है, और इसमें एन माइनस वन प्लस टू आर, ठीक है, इस माइनस वन को इसके साथ ले लो, तो ये एन माइनस वन हो गया, तो ये जे एन माइनस वन की वैल्यू बन गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर माइनस वन फैक्टोरियल है तो आर माइनस वन इक्वल टू एस पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि अपना बेसल फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर r माइनस वन को s पुट करेंगे, r इक्वल टू s प्लस वन हो गया और s की वैल्यू जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगी, पुट कर दो, ये s फैक्टोरियल हो जाएगा, ये माइनस वन की पावर s प्लस वन, तो माइनस वन की पावर s को तो एच एट इज यहीं रखना और माइनस वन की पावर वन से साइन माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। ये देखो यहाँ पर ये n प्लस वन तो साथ में ले लो और r की वैल्यू यहाँ से s प्लस वन, ठीक है, और n जो है यहाँ पर x बाई टू रेज टू द पावर n प्लस टू आर माइनस वन है, ठीक है, तो r की जगह s प्लस वन पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये टर्म इस फॉर्म में आ जाएगी n प्लस वन प्लस टू एस, ये इस तरह से है n प्लस टू आर, r की जगह क्या पुट करोगे, s प्लस वन माइनस वन, ठीक है, तो ये हो गया प्लस टू माइनस वन प्लस वन, तो n प्लस वन प्लस टू एस, ठीक है, तो ये n प्लस वन एक साथ ले लो, ये n प्लस वन और यहाँ पर n प्लस वन, तो ये जे n प्लस वन एक्स, जैसे यहाँ पर n होता है और यहाँ पर n, तो जे n x से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो यहाँ पर n प्लस वन है, n प्लस वन, तो ये जे n, ठीक है, आप ये तो कंपेयर इजीली कर सकते हो कि ये बेसल फंक्शन इसमें इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो राइट हैंड साइड जो भी है उसको एक बार रफली सॉल्व करके देख लो ताकि आइडिया हो जाए कि हाँ हमारे पास इस फॉर्म में टर्म आएगी तो उसको देन हम बेसल फंक्शन जे एन माइनस वन जे एन प्लस वन या जो भी है उस फॉर्म उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपना बेसल रिकरेंस रिलेशन थर्ड हो गया, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें इसको एन प्लस आर से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको एक साथ लो और इसको एक साथ लो और सेपरेट करके उसको सॉल्व कर लो, एक ये यहाँ पर स्टेप ये आता है अपना, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। बेसल रिकरेंस रिलेशन फोर्थ के सेकंड ग्रुप के लिए देखो क्या करोगे, ये अपने आप करके देखोगे सभी, ठीक है, एज वही सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह इम्प्रूव करना है। इसमें फोर्थ रिकरेंस रिलेशन क्या है अपना, ट्वाइस एन जे एन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन, इसको पहले भी लिख सकते हो जे एन प्लस वन प्लस जे एन माइनस वन, कैसे भी ले सकते हो क्योंकि प्लस साइन है यहाँ पे, ये प्रूव करना है, ठीक है, ट्वाइस एन जे एन इक्वल टू एक्स इंटू जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड अपना है ट्वाइस एन इंटू जे एन एक्स, मीन्स जे एन एक्स की सबसे फर्स्ट जे एन एक्स बाई डेफिनेशन और बेसल फंक्शन भी है, जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू रेज टू द पावर एन प्लस टू आर, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस एन से, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ट्वाइस एन, ठीक है, ट्वाइस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस एन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपना
एजेटिव चलेगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, इसमें क्या करोगे देखो, माइनस वन रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल आर कामा एन प्लस आर प्लस वन, ट्वाइस एन है इसमें प्लस टू आर और माइनस टू आर करोगे, ठीक है। फिर इन दोनों टर्म्स को एक साथ लोगे और इसको एक साथ लोगे, तो ये टर्म प्लस ये वाली टर्म, तो इसमें तो माइनस साइन आएगा और ये पावर जो है वो एज इट इज रखोगे और फिर इसको सेम उसी मेथड से सॉल्व करोगे। इसको एक साथ लोगे तो ये आएगा यहाँ पर टू इंटू एन प्लस आर, ठीक है, और यहाँ पर गामा एन प्लस आर प्लस वन है, तो इसको एन प्लस आर गामा एन प्लस आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये टू बाहर ले लेना और ये आ जाएगा गामा एन प्लस आर, ठीक है। इनको एज इट इज रहने देना, एक टर्म यहाँ से टू तो ये हो गया और समेशन में सभी टर्म एज इट इज और ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस आर को कैंसिल करने के लिए वही इस फैक्टोरियल आर अपॉन में जो है उसको फैक्टोरियल आर को आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करोगे, आर कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू क्या लोगे वन टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये अपना इसमें क्या ध्यान रखना है कि प्लस टू आर और माइनस टू आर करके देन सॉल्व करेंगे, देन वी गेट फोर्थ रिकरेंस रिलेशन। देखो नेक्स्ट, इसमें ट्वाइस एन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इसमें प्लस टू आर और माइनस टू आर किया, ठीक है। इस टर्म के अकॉर्डिंग टू इंटू एन प्लस आर आएगा न्यूमरेटर में, तो और इसको इससे रिप्रेजेंट करोगे तो एन प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये टर्म रहेगी अपने पास, गामा एन प्लस आर और ये, ठीक है। माइनस वन प्लस वन कर लो, इसमें माइनस वन और प्लस वन। अब राइट हैंड साइड जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो कि अपने को किस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो जे एन माइनस वन और जे एन प्लस वन ये दोनों बेसल फंक्शन की फॉर्म बनेंगी, जे इधर से जे एन माइनस वन और इससे जे एन प्लस वन, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एक्स, अब यहाँ पर n माइनस वन है, ठीक है, यहाँ तो माइनस वन और प्लस वन करने से n माइनस वन हो गया, लेकिन यहाँ भी n को अपने को n माइनस वन की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, x बाई टू से इंटू और x बाई टू से डिवाइड, ठीक है। तो x बाई टू से इंटू किया है वो तो ये है, और जो डिवाइड किया है वो माइनस वन हो गया पावर, भाई इसको डिवाइड करोगे x बाई टू, ठीक है, ऊपर जाके x बाई टू की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो इससे ये टू तो कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स एच एट इज हो जाएगा, ये एक्स समेशन आर पे है तो कौन से एच ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लोगे, ठीक है, और यहाँ एन माइनस वन यहाँ एन माइनस वन, तो ये बेसल फंक्शन जे एन माइनस वन बन जाएगा, बाकी तो एच एट इज है ही, माइनस वन रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल आर गामा फंक्शन ऑफ एन माइनस वन प्लस आर प्लस वन और एन माइनस वन प्लस टू आर। ये टर्म अभी थर्ड रिकरेंस रिलेशन में इसको सॉल्व किया था, एच एट इज उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वही फैक्टोरियल आर है तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल हो गए, आर कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर आर माइनस वन को एस से रिप्लेस करोगे तो आर इक्वल टू एस प्लस वन हो गया, एस इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है, और ये एन प्लस वन हो गया, वही आर की जगह पुट करोगे एस प्लस वन तो ये एन प्लस वन प्लस टू एस हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेसल फंक्शन जे एन प्लस वन एक्स की फॉर्म में अपना आ जाएगा, और x के लिए इसमें भी वही x बाई टू से इंटू और डिवाइड करोगे, ठीक है। तो x बाई टू की पावर ये n प्लस टू आ रहा है, तो जो डिवाइड करोगे वो पावर माइनस वन हो जाएगा और जो इंटू करोगे वो x बाई टू, तो इससे टू तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इस x को बाहर ले लेना, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में x बाई टू से इंटू और डिवाइड किया है, देन पावर मेक्स n माइनस वन प्लस टू आर, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा सभी को। नेक्स्ट बेसल रिकरेंस रिलेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।